स्टूडेंट्स, सितंबर 2, क्लास 11th, यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी के अनसॉल्व एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक है या पीडीएफ है, उसको आप पढ़ लीजिए। आपको डेटा प्रॉपर से पढ़ना चाहिए दो तीन बार। वो डेटा क्या अंडरस्टैंड हो पा रहा है वो भी आप अपने दिमाग में स्टोर कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशंस देखो। यहाँ पे मैंने कोडवर्ड में मीन्स मैथमेटिकल फॉर्म में डेटा राइट किया है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक लेनी पड़ेगी। तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी हार्ड कॉपी तो आप उसमें देख लीजिए, अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी में से आप जो भी पेज नंबर है वो न्यूमेरिकल्स ओपन कर सकते हो। तो आज हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, सो 2 का जो लास्ट इनकम्प्लीट था वो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं इंक्लूड किया था, उसको हम आज फिनिश करके नेक्स्ट एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.2 का लास्ट पार्ट, डी पार्ट। तो डी में क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू एंड यूनिट इज गिवन इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम। नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन इज अ ऐसा यूनिट फॉर फोर्स, बट हमें दूसरा भी ऐसा यूनिट पता है एमएलटी के फॉर्म में, मास लेंथ एंड टाइम के रिस्पेक्ट में, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वो वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप देखो कि न्यूटन है तो यहाँ पे डाइन होता तो हम उसको रिप्लेस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे डाइन वाला कोई टर्म नहीं है तो हमको न्यूटन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू ली, न्यूटन इज रिप्लेस विद 1, न्यूटन इक्वल टू 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ऐसा पढ़ चुके हो ये वाला टर्म। तो न्यूटन की रिस्पेक्ट में मैंने वो टर्म रख दिया, ये मीटर स्क्वायर एज इट इज केजी की पावर 2 थी, न्यूमरेटर में ले गया केजी की पावर -2, तो ये वाला टर्म एज इट इज आएगा नेक्स्ट स्टेप में। आप देख सकते हो इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मीटर 2 मीटर 1, सो मीटर की पावर 3, रिमेनिंग एस की पावर -2, केजी की पावर 1 एंड केजी की पावर -2, 1 -2 दैट इज -1। अब आप देख सकते हो कि ये वाला टर्म और जो हमको दिया गया है वो सिनोनिम से, ये एमकेएस सिस्टम का यूनिट है और ये वाला सीजीएस का है। आप देखो केजी का सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम, सेकेंड रिमेन एज इट इज, मीटर का क्या है सेंटीमीटर, और पावर जो भी दी गई है वो हमने कन्वर्ट कर दी। ओके, तो आपको ये लॉजिक आपके दिमाग में आना चाहिए कि न्यूटन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है यहाँ पे। अब आपको ऐसे न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए, ये वैल्यू एज इट इज आप देख लो, ये वैल्यू एज इट इज, और ये मीटर का मुझे क्या लाना है सेंटीमीटर, तो मीटर का सेंटीमीटर कितना है आपको पता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 10^200 मीन, और उसकी पावर कितनी है 3, सो 10^2^3, सो 10^ कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 6। ओके, 3 × 2 = 6। नाउ सेकेंड रिमेन एज इट इज, सेकेंड का कन्वर्जन नहीं करना, केजी का ग्राम में, तो 1 kg 1000 ग्राम, दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर में -1 मीन्स डिनोमिनेटर, तो उसको हम ऐसे रख सकते हैं, यदि आप ऐसा लिखो तो अंडरस्टैंड कर पाओगे। व्हाट इज 1 kg का ग्राम कितना है 1000, सो 10^3। आप देख सकते हो अब ये 3 × 2 = 6, -3 = 3, -11 + 3 - 8, तो ये वाला आपका आंसर आ गया है फर्स्ट, ये फाइनल आंसर है 6.67 × 10^-8 एंड दिस इज अ गिवन यूनिट। ओके, सो ये वाला हम 2.2 यहाँ पे हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं एक्सरसाइज का 2.3। उसके लिए आप डेटा टेक्स्ट बुक में से रिफर कर लो एक और दो बार, वो डेटा में क्या दिया गया है वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कैलोरी, तो कैलोरी वर्ड्स आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, और आप जो वेफर्स और वो सेव वगैरह आता है उसके पैकेट पे आप देखते हो तो वहाँ पे जो फूड का टर्म लिखा होता है वो इतनी कैलोरी देता है, तो वो कैलोरी वर्ड आपने सुना होगा, उसके वो यूनिट है, ये कैलोरी है वो यूनिट है एनर्जी का, हीट और एनर्जी का यूनिट है। अनदर यूनिट इज नॉट एसआई और सीजीएस यूनिट,
So this is, we can say, practical purpose. We are utilizing the unit of energy in terms of calorie. So यहाँ पे कैलोरी की वर्ड दिया गया है, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत फैमिलियर होंगे। तो वन कैलोरी का ऐसा यूनिट जो वर्क का है और एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है, उसका रिलेशन आपको दिया गया है। वन कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, एंड वन जूल वो भी आपको दिया गया है। वन केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हमने रख दी। गिव इट इक्वेशन वन, और हमको नई सिस्टम डिफाइन किए उस क्वेश्चन में कि टेक द यूनिट ऑफ न्यू यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। तो हमको ये आंसर कन्वर्ट करना है अल्फा बीटा और गामा के टर्म में, वो हमें ये प्रूव करना है, ये वाला वैल्यू हमें प्रूव करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने क्या किया, वन कैलोरी का ये रिलेशन दिया था, उसमें जूल की वैल्यू प्लेस कर दी। नाउ हम न्यू सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज न्यू सिस्टम इन अ गिवन डेटा? न्यू यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास हमको पता है किलोग्राम है, लेकिन अभी कौन सा डिफाइन किया, अल्फा केजी, दैट इज गिवन इन द डेटा। तो इफ वी मेक द सब्जेक्ट 1 केजी, दैट इज इक्वल टू, ये अल्फा डिनोमिनेटर में जाएगा, 1 अपॉन अल्फा, सो अल्फा की कितनी पावर है, -1। आप देख सकते हो यहाँ पे केजी की कितनी पावर है, 1, तो यहाँ पे केजी की पावर 1 के रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर -1। ओके, गिव इट नंबर 2। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का न्यू यूनिट क्या दिया गया है, बीटा मीटर। बीटा मीटर ये स्पेस है, ये आप प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, तो उसमें सब्जेक्ट बनाइए 1 मीटर, क्या हुआ, 1 अपॉन बीटा, बीटा को न्यूमरेटर में ले जाए, बीटा की -1। यदि आप देख सकते हो इसका मीटर वाला टर्म कौन सी पावर है, +2, तो हमको दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू बीटा की पावर -1 इंटू 2, सो -2। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, टाइम, न्यू यूनिट ऑफ टाइम क्या है, गैमा सेकेंड, ये गैमा स्पेस सेकेंड लिखना है आपको। तो मेक द सब्जेक्ट 1 सेकेंड, सो व्हाट इज 1 सेकेंड, 1 डिवाइड बाय गैमा, दैट मींस गैमा रेस टू -1। ये वाले टर्मिनोलॉजी है, आप ग्रीक अल्फाबेट देख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में, लास्ट में अपेंडिक्स में दिया गया है। इसको हम रीड करते हैं, अल्फा, इसको बीटा और इसको गैमा। तो ये ग्रीक अल्फाबेट है, आपको याद रखने है इसके सिंबल भी। तो कौन सा वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैमा मीन सेकेंड की पावर कितनी है, -2। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों साइड -2 पावर की, दोनों साइड -2 पावर ली, तो सेकेंड की कितनी पावर थी, 1 थी, 1 इंटू -2 -2, और ये वाला प्रोडक्ट होगा +2, ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, +2। तो उसके हिसाब से आपको ये आंसर मिलेगा, गैमा की पावर +2। सो हमको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। सो पुट द ऑल वैल्यूज ऑफ 2, 3 एंड 4 इंटू इक्वेशन 1, वी गेट 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 केजी की रिस्पेक्ट में हमने लिखा अल्फा रेस टू -1 फ्रॉम द इक्वेशन 2, मीटर स्क्वायर की रिस्पेक्ट में हमने लिखा बीटा रेस टू -2 फ्रॉम द इक्वेशन 3, एंड सेकेंड रेस टू -2 की रिस्पेक्ट में हमने लिखा गैमा रेस टू 2 फ्रॉम द इक्वेशन 4। सो ये हमको प्रूव करना था, वो हमने प्रूव किया। सो ये वाला आपको आंसर है, ये एनसीईआरटी का 2.3 यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2.5, उसके लिए भी आप डेटा रिफर कर सकते हो, आपने 9th में पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो वाला फंडामेंटल यूज करके हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है, टेक द स्पीड ऑफ लाइट इज 1 यूनिट, स्पीड ऑफ लाइट इज 1 यूनिट इन वैक्यूम, दैट इज गिवन इन द डेटा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ वी हैव टू कैलकुलेट। सो से दिस डिस्टेंस इज d, द सिंबल फॉर डिस्टेंस इज d, सो ये d हमको कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट इज मोर डेटा इज गिवन, द टाइम टेकन फॉर सनलाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, दैट इज 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, बट वी आर नोइंग द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो वी नीड टू कन्वर्ट इन टू सेकेंड। सो 8 मिनट मीन्स 1 मिनट 60 सेकेंड, सो 8 into 60 + 20 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, 480 + 20 = 500 सेकेंड। सो सिंपली हमने जो टाइम दिया गया था मिनट और सेकेंड के कॉम्बिनेशन में, वो हमने सेकेंड में टोटली कन्वर्ट कर दिया, वो क्या आया, 500 सेकेंड।
अब वेरी सिंपल हो गया, मेरे पास स्पीड है, मेरे पास टाइम है, तो इजीली मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? आप वो वाला फॉर्मूला याद कीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। सो डी इक्वल टू स्पीड एस इंटू टाइम टी। व्हाट इज एस? दैट इज 1 इन द गिवन डेटा, एंड टी को हमने कन्वर्ट किया 500। सो व्हाट इज माय आंसर? डिस्टेंस का यूनिट हम मीटर नहीं लिख सकते क्योंकि हमको यहाँ पे स्पेसिफिक यूनिट नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लिखेंगे 500 यूनिट्स। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो एग्जाम्पल आपका 2.15 है, वो भी डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला बेस्ड है। तो उसका भी डेटा आप 2-3 बार गौर से पढ़िए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में सेट होगा तभी आप इसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो क्या दिया गया है? एक स्टूडेंट है, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक इक्वेशन एग्जाम में लिख रहा है। वो लिखते समय वो फॉर्मूला जो है वो ऐसे लिखता है वो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला लेकिन करेक्ट नहीं है, उसको हमको करेक्ट करनी है। और हमको हिंट भी दी गई है क्वेश्चन में, व्हाट इज m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 - v² की पावर 1/2। दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, दैट इज गिवन। एंड व्हाट इज मिसिंग इन दिस इक्वेशन? c, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। वेयर c इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो ये वाला टर्म मिसिंग है, तो ये वाला टर्म हमें यहां पे प्लेस करना है प्रॉपर सिचुएशन में। तो ये एक रॉन्ग इक्वेशन है, तो कब करेक्ट बनेगा? ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला की मेथड अप्लाई करते हैं। हमको पता है कि यदि ये इक्वेशन ट्रू हो तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड जितना होना चाहिए। ये मास है, ये भी मास है, रेस्ट मास। सो दोनों मास है तो देर मस्ट बी डिनोमिनेटर हैव नो यूनिट। यदि ये मास होगा और ये भी मास है तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका यूनिट नहीं होना चाहिए, तभी ये मास और मास कैंसिल हो सकते हैं, तभी ये इक्वेशन ट्रू हो सकता है। तो हमको इतना पता चल गया कि ये डिनोमिनेटर है उसमें कुछ मिस्टेक है। तो क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर को सिलेक्ट करेंगे, 1 - v² की पावर 1/2 है, वो मस्ट बी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। ये टर्म मस्ट बी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो उसके लिए हमको हिंट दी गई है कि यूटिलाइज सी, सी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी भी स्पीड है, तो दोनों स्पीड है तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो सकता है। हाँ, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ये वी स्क्वायर टर्म से हम सी स्क्वायर टर्म डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि वन का कोई यूनिट नहीं है, इसी तरह ये v का यूनिट है और ये c का यूनिट सेम है, तो ये दोनों नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस। सो टोटल टर्म बिकम्स डायमेंशनलेस। सो व्हाट वी आर अप्लाइंग द लॉजिक? वी डिवाइड द टर्म c v square by c square। नाउ दिस डिनोमिनेटर इज करेक्ट, सो वी रिप्लेस दिस वैल्यू इनटू मेन इक्वेशन। सो करेक्ट इक्वेशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी इज व्हाट? m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 - v² by c² whole raised to power 1/2। सो ये वाला हमारा करेक्ट इक्वेशन था, ये वाला मिसिंग टर्म हमने ऐड कर दिया। ओके, नाउ आप डायमेंशनली चेक कर सकते हो कि डिनोमिनेटर है उसका डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशन लेस है, तो ये मास है तो ये भी मास है, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला के फंडामेंटल ऐसे यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल आपको ऐसा शो कर रहा है। नेक्स्ट हम दो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर GL नीट और गुजकेट। सो क्या दिया गया है? यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो आपको पता चलेगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मैंने दो एग्जाम्पल लिए उसके बेसिस पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ये इक्वेशन दिया गया है p = p0 e^-α t² वेयर t टाइम, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा, ये वाला टर्म है अल्फा। तो हमको कैलकुलेट करना है अल्फा का डायमेंशन, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला टर्म आप गौर से देखिए, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है,
अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में आपने लॉगरिथमिक पढ़ा है, ये वाला टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। सो हमको एक लॉजिक मिल गया, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं उसके इक्वल एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो एंड टी रेस टू जीरो। तो हमने लिखा ये टर्म है अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू एम एल टी रेस टू जीरो। नाउ हमको अल्फा का डायमेंशन चाहिए, तो टी की पावर टू है वो इस साइड जाएगी तो माइनस टू होगी, तो ये वाला मेरा आंसर है। यदि आपको ये स्टेटमेंट पता है, ये दिमाग में आपने रखा है, तो इजीली आप कोई भी डायमेंशन ऐसा दिया गया हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। वन मोर एग्जांपल, सो उसके लिए हमने सेकेंड डेटा लिया है, वाई इक्वल टू टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसकी जगह पे हमने कौन से फंक्शन यूटिलाइज किए? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये, और क्वेश्चन क्या दिया गया है? वाई इज इन मीटर है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन के, वेयर ए एंड एक्स इज ऑल्सो इन मीटर। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक ये वाला टर्म भी आपको याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस, ये भी आपको अभी पता चला तो आप दिमाग में स्टोर कीजिए। तो ये वाला का कोई डायमेंशन नहीं है, तो आप देख सकते हो कि के का डायमेंशन चाहिए, तो ये वाला टर्म जीरो, एन रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो होगा, तो के एक्स इक्वल टू तीनों की पावर जीरो। व्हाट इज के? एक्स रेस टू माइनस वन। व्हाट इज एक्स? एक्स इज इन मीटर, ये वाला टर्म आपको दिया गया है, तो उसके लिए आप एल की पावर माइनस वन लिख सकते हो। और डायरेक्टली ए का कैलकुलेट करना है, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे है, तो ए का डायमेंशन कितना है? लेंथ जितना, तो ए का लेंथ और वाई, वाई भी मीटर में है, तो ए इक्वल टू वाई इक्वल टू एल वन। नाउ टू और वन का डिवीजन हमको कैलकुलेट करना है, तो रिस्पेक्टिव वैल्यू हम प्लेस करेंगे, एल वन, एल माइनस वन, माइनस वन न्यूमरेटर में जाएगी, प्लस वन होगी, तो क्या होगा? एल टू। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, ताकि आपको और भी ऐसे क्वेश्चन हो तो खुद कर पाओ। थैंक यू।